हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेलो, लोकस, इनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के चांद नगर अमीनाबाद वार्ड क्रमांक 30 आ की एनसीपी की नगर सेविका शेख हसीना, इनका पद 23 मार्च 2020 को रद्द कर दिया गया था। अब यहां दोबारा चुनाव करने की बात सामने आ रही है, मगर वहीं इसी वार्ड से एमआईएम पार्टी से जावेद सिद्दीकी की बेटी फराह अशफाक सिद्दीकी चुनाव लड़ी थी, जो सेकेंड नंबर पर थी। नगर सेविका शेख हसीना का पद रद्द करने के लिए जावेद सिद्दीकी ने चुनाव आयोग में इनकी सर्टिफिकेट को गलत बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी और कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था। जावेद सिद्दीकी की शिकायत पर एनसीपी की नगर सेविका शेख हसीना का पद रद्द कर दिया गया। ऐसे ही इस वार्ड में दोबारा इलेक्शन की चर्चा तेज हो रही थी, मगर वहीं जावेद सिद्दीकी, सैफ पठान, शाह आलम, तमाम एमआईएम के कार्यकर्ता पद अधिकारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इनकी मांग है कि दोबारा चुनाव ना हो, सेकेंड नंबर पर फराह अशफाक सिद्दीकी थी, उनको पद मिलना चाहिए। वहीं 2022 का कॉरपोरेशन चुनाव भी लगभग एक साल बाद होगा। ऐसे में वार्ड क्रमांक 30 आ में पहले से ही चुनाव की चर्चा तेज है और शेख हसीना का पद रद्द होने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैफ पठान और एमआईएम के जावेद सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं सबसे पहले आप जितने भी प्रेस वाले यहाँ मौजूद है सबका वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने के लिए। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए रखी है कि जैसा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि जो बाकी की जो पार्टियां हैं यहाँ पर, यानी एक ऐसा डिक्लेरेशन कर रही है कि यहाँ री इलेक्शन होने वाला है। ये वार्ड से जो उनके एनसीपी के सिटिंग नगर सेवक थे, अजीत पाटा भाई की वाइफ थी हसीना मैडम, उनकी शायद सीट हमारे जावेद भाई ने कुछ उनका ऑब्जेक्शन लिया था जिसके चलते उनकी सीट गई है। तो 30 आ किस्मत परिसर किस्मत परिसर का पैनल नंबर 30 के ए ब्लॉक का, यानी जो सीट का जो था डिस्प्यूट चल रहा था, जावेद भाई ने जिस पर ऑब्जेक्शन लिया था वो सीट यानी उनकी अभी डिजोल्व कर दी गई है। तो वहाँ पर री इलेक्शन की जो यानी एनसीपी पार्टी चर्चा कर रही है कि यहाँ री इलेक्शन होगा और उनके कैंडिडेट आएंगे, तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है, ये कॉन्फ्रेंस रखी है कि जावेद भाई ने काफ़ी फॉलो अप किया है और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये सीट पे तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि एनसीपी से यानी एक जाली सर्टिफिकेट ओबीसी का बना करके इलेक्शन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है और उसके बाद यानी हर 2 साल 2.5 साल बाद उसकी सीट यानी रद्द कर दी जाती है। तो उसके चलते इनको कुछ इन्होंने सब तरफ लेटरबाजी की थी, तो वहाँ से राज्य सरकार से इनको एक लेटर आया है कि जिसमें साफ मेंशन किया गया कि इस बार अगर वो सीट जाती है तो उसकी जगह पर यानी री इलेक्शन नहीं होगा, जो सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट वोटर वोटिंग लिया रहेगा वो कैंडिडेट विनर रहेगा। तो जिसके चलते एमआईएम पार्टी से जो हमारे जावेद सिद्दीकी भाई यहाँ पर उनकी मिसेस ने कैंडिडेट बेटी ने उनकी यानी यहाँ पर कंटेस्ट किया था पिछली बार, तो उनकी सीट बनेगी ये, तो कोई री इलेक्शन नहीं होने वाला है। वो लेटर्स मौजूद है, उसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए इसके ताल्लुक में पूरा फॉलो अप जावेद भाई कर रहे थे। जावेद भाई आपको डिटेल्स में बताएंगे कि वो फॉलो अप कैसा था और क्या हुआ। इलेक्शन क्यों नहीं चाहते, भरोसा नहीं, क्या बोल रहे भाई? जब हमारी सीट ऑलरेडी डिक्लेयर होगी, पिछली बारी चीटिंग करके एनसीपी ने यहाँ पर वो लिया। देखिए, सिर्फ चीटिंग इसकी नहीं हुई कि उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट किया, उसमें काफी कुछ यानी फेरबदल हुआ, आके कैंडिडेट को डाके यानी वोटिंग लिस्ट बता करके उसको विनर बता दिया गया। तो जब यानी चीटिंग करके वो अपने आप को विनर घोषित करे तो हम क्यों करें? हम देखो फाइट करने से नहीं डर रहे, इलेक्शन होता तो हम डेफिनेटली लड़ते, हमको भरोसा जावेद भाई सीट लेकर आते, उनकी बेटी इस बार चुन के ही आती कंफर्म। लेकिन अगर जब हमको ऑलरेडी राज्य सरकार ने लिख कर दिया तो रीइलेक्शन क्यों, इतना पैसा वेस्ट क्यों करने का? सरकार जो पैसा वेस्ट करेगी इलेक्शन पे वो हमारे टैक्स पेयर करेगा भाई। ये जो मुद्दा मुमरा के अंदर जो गरमाया हुआ है राजनीतिक गलियारों में आज जमाने से, आज काफ़ी दसियों साल से ये मसला है, आप लोगों भी तकलीफ़ है, यहाँ की जनता वोटरों को भी तकलीफ है, उसके बारे में मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ। जो राज नियुक्त आयोग 2017 के मुताबिक जो चुनाव होता है,
इसके ऊपर 2014-2015 में मेरी बेटी उपचुनाव बिना बिन विरोध चुन के आई थी, लेकिन मैं कायदे के ऊपर जब राइटिंग में मैंने ये पत्र दिया था, मैंने निर्णय अधिकारी जिसका जो निर्णयकारी पटोले था, मैंने कायदे के ऊपर कि अगर जिस दिन छाननी के दिन आप साबित करते तो उसका डिस्क्वालीफाई होता है, लेकिन वो लोगों ने, सत्ताधारी के लोगों ने पैसे के बल से उस टाइम मुझे जो है सेकंड नंबर नहीं दिया था। इस मुद्दे को लेके मैं आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो सब जगह गया और इसका खुलासा हुआ। इसमें सबसे बड़ी एक बात यह है कि जब मैं चुनाव में जो सर्टिफिकेट थाने महानगर पालिका में एक नाम एक नंबर का जो ये है, ये शेख हसीना जी का है, ये सर्टिफिकेट में 5 साल नगर सेवा की रही हो, उसके बाद मैं जब हाई कोर्ट गया तो उसकी जांच हुई, तो सरकार की जो एक कमेटी है उसने कहा कि ये सर्टिफिकेट हम उनको दिए हैं जो ऑनलाइन में है, तब इसको हाई कोर्ट ने दोबारा इसको जांच करने को बोला है। जब जांच हुआ है तो इसके भी बाप दादा, इसके सारा परिवार सब झूठा हुआ। तो इसका मेरा मतलब सरकार को मैंने जो ये पत्र दिया हूँ कि ये सब यहाँ पे जो चुनाव हुआ है, ये सब 2017 में भी जो का पैनल नंबर 30A से जो 4 के कैंडिडेट थे उसमें आ बा का डा, तो जो आदमी को सत्ताधारी जैसे राष्ट्रवादी पार्टी ने जिसको उम्मीदवारी दिया है, जैसे 30A जैसे 30A जो है शेख हसीना थी, उसका तो नगर सेवक पद 1 साल से रद्द हो गया, फिर उसके बाद 30A के खिलाफ मैंने जो है राजनियुक्त आयोग को मैंने पत्र दिया कि यहाँ पे जो सत्ताधारी है जो तुम्हारा कायदा का उल्लंघन करके पैसा मोटी रकम लेके इन लोगों ने उसको जिता के लाए, इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि उसका जांच जो है राजनियुक्त आयोग ही कर सकता है। तो उन्होंने, राजनियुक्त आयोग ने 22 सितंबर 2020 को ये पत्र जाहिर किया सारा इंक्वायरी करके कि वाकई में मुमरा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो उसकी जांच हमने किया है, और सरकार को नगर विकास को पत्र भेजा गया है 19 अक्टूबर 2020 को कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर है उनका कहना है कि 10 साल से हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है गलत कायदे का हो रहा है, इसको सेकंड नंबर देना चाहिए, तो उसकी जांच कमिश्नर को भेजा गया है। ये कमिश्नर को भेजा गया है 24/11/2020 को। तो अभी उन लोगों को मैंने फॉलोअप किया हूँ, वहाँ पे इंक्वायरी निकल चुकी है कि यहाँ पे वाकई में 10 साल जो है फेर बदल करके ये सत्ताधारी चुनाव लड़के जीत के यहाँ पे काबिज है, तो उसकी जांच जो है चालू है। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो सेकंड नंबर के लिए ऑर्डर वो नगर विकास को दे, क्योंकि सेकंड नंबर देने का काम नगर विकास को है, महानगर पालिका नगर विकास के अंतर्गत है, ना कोई थाना महानगर पालिका के अंतर्गत है, ना किसी राजनेता के अंतर्गत है। तो इसका जो जवाब जो है 1-2 दिन में जाएगा, और ये जो है नगर विकास सेकंड नंबर को डिक्लेयर करेगा और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने का वो भी किया है, कमेटी जो सरकार की है उसके ऊपर भी। सरकार के ऊपर जो है ये कमेटी जो है ये 16/10 को इन्होंने, मैंने कंप्लेन किया था वहां पे पत्र गया है, जो कोर्ट है एक तरह से कमेटी, नासिक कमेटी को इन्होंने पत्र दिया है, समिति तथा शेख हसीना अब्दुल अजीज उर्फ बाटा तलाटी शहर मालेगांव समिति समोर जो साक्षीदार बोकस थे इनके ऊपर 420 का गुनाह दाखिल करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, ये ऑर्डर भी मेरे को परसों मिला। दूसरी बात, जो लोग बोकस लड़ते हैं चुनाव उसका जो मानदान जो मिलता है पगार, उसका भी ऑर्डर हो गया है हसीना शेख का 4,58,281 रुपया जो इनको पगार मिली है नगर सेवक को, ये जमा करने को कमिश्नर ने आदेश दिया, वो भी पत्र मेरे पास है। इकबाल रजिया का भी है, अगर ये नहीं भरते चुनाव नहीं लड़ सकते कभी,
और इनका जो है घर द्वार कुड़की होने ऐसा आदेश है। तो ये हमारा ये कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि आप जैसे मीडिया वाले हैं, आप इस बात को खुलासा करें कि हकीकत यहाँ पे 10 साल से जो भ्रष्टाचार एक पार्टी करके जनता का जो वोट जो है गलत जगह लेके जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये देखो, ये राष्ट्रवादी पार्टी का जो ये लेटर है, ये बी फार्म है। कहाँ से? डोंगरे सिराज अहमद अली को इन्होंने बी फार्म दिया है, ठीक है। तो इसको जो है जिताया गया है म्युनिसिपैलिटी ने, जागा क्रमांक नंबर डा से इसको जिताया गया है। कहाँ से? बी फार्म मिलता है और डा से जिताया जाता है म्युनिसिपैलिटी। तो इसकी तकरार मैंने राजनियोग आयोग नगर विकास को भी किया, उसकी भी जांच आ चुकी है थाने महानगर पालिका में। तो इसका भी मैं खुलासा कर रहा हूँ, इसलिए ये मैं जो है कायदे के अनुसार मैंने काम किया हूँ। ये देखो, आपको बता देता हूँ, 2014-15 में जब चुनाव लड़ा गया है तो राजनियोग आयोग क्या अंधा था? ये फार्म जो है उसका इनवैलिड था। कैसा मेरी बेटी को जो है उसने जो है बिन विरोध चुनने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि उनके पास सत्ता था, मोटी रकम पाया। इसलिए ये देखो, किस्मत परिसर का इलेक्शन है, कहीं फार्म में नहीं लिखा है कि किस्मत परिसर है। और कौन से वार्ड से लड़ा उसको ये भी नहीं पता है कि 63 से लगा है कि 62 से कि 61 से। ये भी उसी दिन सेम दिन मैं जो है कानूनन राजनियुक्त आयोग का जो आदेश था मैं राइटिंग में लिख के दिया उसी दिन निर्णय अधिकारी को, लेकिन निर्णय अधिकारी ने ये सारे कागजात को कुछ मान नहीं किया। इसलिए मुझे सरकार के पास जाना पड़ा और सरकार ने इसके ऊपर निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह मुमरा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है इसका मैं जो लड़ाई हाई कोर्ट में फिर जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन चुनाव सेकेंड नंबर को नहीं देंगे। तो चुनाव इंशाल्लाह यहाँ पे नहीं होगा। और आने वाले दिन हम जिस पार्टी से इलेक्शन लड़े थे उस पार्टी में हम आज भी हैं और रहेंगे। कोई भी आदमी ये मत बोले कि जावेद भाई क्या मालूम राष्ट्रवादी से टिकट देंगे या ये करेंगे, वो सब छोड़ दे। कोई भी जो सही है वो बात हम आपके सामने रख रहे हैं, इस बात को आप सारी जनता को बताएं। प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।